हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सब बहुत अच्छे हो और मैं भी अच्छी हूँ। तो वेलकम टू अ न्यू व्लॉग टुडे। और नेक्स्ट वीक से है रमदान, तो ड्यूरिंग दिस होली मंथ ऑफ रमदान यूएई की वाइब भी एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि वर्किंग आवर्स भी थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं, तो इसीलिए सुदीप घर वापस जल्दी आता है। इवनिंग में भी हमें टाइम मिलता है, गुड अमाउंट ऑफ टाइम साथ में स्पेंड करने के लिए। तो प्लान है कि मैं कुछ अच्छी कुकिंग करूँगी ड्यूरिंग दिस मंथ, स्पेशली इवनिंग स्नैक्स और डिनर के लिए कुछ स्पेशल रेसिपीज़ वगैरह रखूँगी। तो उसी का प्लानिंग आज मुझे थोड़ा बहुत करना है। लंच के लिए आज मैं बना रही हूँ आलू मेथी, साथ में एग का भी एक प्रिपरेशन बनाऊँगी। एक्चुअली प्लान था कि मैं चिकन मेथी बनाऊँगी, इसीलिए कल रात को थोड़ा बहुत प्रिपरेशन भी कर ली थी, लेकिन मैं चिकन डिफ्रॉस्ट करना भूल गई। तो अभी अगर मैं डिफ्रॉस्ट करने के लिए चिकन रखूँगी तो वो तो बनने वाला है नहीं। भूल जाओ लंच का प्रिपरेशन अगर चिकन मैं बनाने जाऊँ तो। इसीलिए पूरा प्लान चेंज किया मैंने, और अभी आलू मेथी बनेगी और उसके साथ अंडा बनेगा। जैसा कि मैं बात कर रही थी रमदान के बारे में, तो इस बार रमदान के टाइम में यूएई की क्लाइमेट काफ़ी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इस बार रमदान जल्दी है। इनफैक्ट ड्यूरिंग द ईद हॉलीडेज भी सूदिंग क्लाइमेट शायद रहेगी, क्योंकि अप्रैल में यहाँ की क्लाइमेट मोर और लेस अच्छी रहती है। तो ईद हॉलीडेज की प्लानिंग भी हम करेंगे इसी बीच, इसी महीने में। और ये मेथी मैंने कल रात को ही धो के और क्लीन करके रख दी थी, तो जब तक आलू फ्राई हो रही है तब तक मैं मेथी को रफली चॉप करके आलू में मिक्स करूँगी। साथ में टोमेटो और मैंने थोड़ी सी अनियन भी आलू के साथ डाल दी है फ्राई होने के लिए। और आजकल बेजल को बालकनी में रहना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली सुबह के टाइम में। जब भी मैं ये कुकिंग कर रही हूँ ना, वो ऑलमोस्ट 1 घंटा बाहर बैठी रहेगी और बर्ड्स देखती रहेगी, तो मुझे दोनों तरफ का ध्यान रखना पड़ता है। यूजुअली मैं उसको अकेला बालकनी में नहीं छोड़ती हूँ, वो बर्ड्स जब आती है तो थोड़ा डर जाती है, तो मैं बीच बीच में जाके कुकिंग करते वक्त उसको देख के आ रही हूँ कि वो क्या कर रही है। इसी तरह से वो बैठी रहेगी और बर्ड्स देखती रहेगी। चलो, ये ऑलमोस्ट हो गई है कंप्लीट। मैं थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर डालूंगी और कोई मसाले मैं इसमें ऐड नहीं करती हूँ। अभी बाकी का खाना बना के सुदीप का टिफ़िन पैक कर देती हूँ और ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करूँगी। तो ये है सुदीप का लंच, तो राइस पैक की है उसके साथ आलू मेथी, और ये बनाया है मैंने एग का चूखा। ये एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है, किसी दिन मैं शेयर करूँगी और बहुत ही जल्दी बन जाती है। और यहाँ पे है कॉर्न विद बटर और पेपर के साथ, मैंने इसको स्टीम कर दी है। बुबू बुजू बुजी बेजल बुबू। और ये किस तरह से मुझे इग्नोर कर रही है, बीच में सिर्फ अंदर आई कुछ देर के लिए सुदीप से मिलने के लिए, और अभी 3 घंटे से वो बाहर बैठी हुई है। इशू भीतर, इशू इशू इशू, चलो चलो भीतर चलो।
थोड़ी देर के लिए मैं बाहर गई हुई थी, कुछ थोड़ा बहुत सामान लेके आई थी, जल्दी से दिखाती हूँ। ये पालक, मेथी, धनिया, क्यूकम्बर, हॉट टोमेटो और सबसे स्पेशल चीज़ जो मैं लेके आई हूँ वो है मैगी। तो एक्चुअली मैंने सोचा आज हम मैगी खाएंगे सुदीप के आने के बाद, और सुदीप भी आ चुका है, मेरे आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो चलो अभी मैं चाय या कॉफ़ी बनाती हूँ और सुदीप ने चाट भी ऑर्डर किया है, तो तब तक, जब तक चाट पहुँचती है तब तक कुछ बना देती हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि सुबह ही मैंने मेथी बनाई और फिर से मैं मेथी लेके आ गई, लेकिन ये चीज़ ही ऐसी है ना, बहुत टेस्टी और अच्छी बनती है, इसीलिए लेके आई हूँ। तो एक्चुअली लास्ट वीक मैंने मेथी चिकन बनाई थी, वो बहुत अच्छी बनी थी, और सुबह तो आलू मेथी बनाई है, वो भी बहुत ही अच्छी बनी थी, सुदीप ने बताया और मुझे भी खा के लगा कि बहुत अच्छी बनी है। तो मेथी पराठा भी मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, तो अभी देखना है उस मेथी का मैं क्या बनाऊँगी, लेकिन मेथी की हर एक चीज़ मैं एकदम फर्स्ट क्लास बनाती हूँ। तो सुदीप ने कुछ चाट ऑर्डर की है, तो अभी आइए, मैंने चाय भी बना ली थी, तो चलो देखते हैं क्या क्या ऑर्डर किया है इसने। तो ये है पानी पूरी, और इसके साथ ये पानी में, पानी पूरी में डालने के लिए ये सारी चटनियाँ, ये ग्रीन पानी, और ये समोसा चाट, और ये वेज ग्रिल सैंडविच। और यहाँ पे बेजल को देखो कितनी ज़ोरों की नींद आई है, तो हम उस रूम में थे और वो बेडरूम में आके इसके ऊपर सोई हुई है, ऊपर से मुंह को इस तरह से ढक के सोई हुई है ताकि कोई भी उसको डिस्टर्ब ना करे। तो अभी मैं आ गई हूँ मैगी बनाने के लिए, तो मैगी मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ, सूपी स्टाइल में बनाऊंगी मैगी। तो यहाँ पे अनियन, टोमेटोस और चिली मैंने चॉप कर ली है, इसमें मैं यूज करूंगी 2 अंडा, और ये मैगी बनाने का प्लान मेरे दिमाग में बहुत ही दिनों से चल रहा था, और काफ़ी दिन भी हो गए जो मैगी नहीं बनाई है। यूजुअली हम ये वाली मैगी ब्रेकफास्ट में खाते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही थी मैगी खाने की, और लेके भी आई थी, तो मैंने सोचा कि आज डिनर के लिए ही बना देते हैं मैगी। जितना भी हेल्थ कॉन्शियस हूँ मैं, लेकिन मैगी सामने हो तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, और ये वाली मैगी काफ़ी अच्छा बना लेती हूँ मैं। इसमें मैंने प्याज, टमाटर डाल दी है, अभी मैगी ऐड करूँगी, साथ में कुछ मसाले ऐड करती हूँ जैसे कि ब्लैक पेपर और इटालियन हर्ब्स, और फिर मैगी मसाला तो डेफिनेटली इसमें ऐड करूँगी, उसके साथ पानी ऐड करूँगी और थोड़े बहुत सॉस। सूपी मैगी में ना मैं कुछ सॉस डालती हूँ, मतलब ऑल द चाइनीज सॉस, सोया सॉस, ये चिली सॉस, टोमेटो सॉस, और ये स्वीट एंड स्पाइसी एक सॉस है, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, लेकिन ये भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी टिप है मैगी बनाने की कि मैगी कभी भी लो हीट पे नहीं बनाना, ऑलवेज इन हाई फ्लेम। Can't seem to trace.
बस हमारी मैगी हो गई है रेडी और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी मैं यहीं खत्म कर दी हूँ। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तुम्हारा सबाई खूब 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 भालो थेको। और आज के ब्लॉग में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। It's all